अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, वट्टापल्ली फारूक नगर इलाके में मुसलसिल अवाम परेशान है, यहां पर राशन नहीं मिल रहा है। यहीं के लोगों ने वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाई ताकि हम इसको मंजर आम पे लाएं और कुछ लोग इनकी मदद करें। देखते हैं सपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सुकून अहमद, कुट्टापल्ली फारूक नगर से बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर तकरीबन लोग परेशान हैं भाई, खाने के लिए परेशान हैं। जब लॉकडाउन हुआ था यहाँ पर, फर्स्ट टाइम पे जो है सो लोगों को चावल मिले थे, उसके बाद में कोई यहाँ पर आने वाला नहीं है, कोई इमदाद करने वाला नहीं है। यहाँ मेरे पीछे देखो, मेरे माँ बहन इतने परेशान है। यहाँ अंदर एरिया है, ये अंदर एरिए में जो है तो यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, आ रहा, लेकिन जो है बीच में जो है लोग जो है सारे रास्ते में सामने वालों को रोड पे मिल रहा है, लेकिन ये अंदर गली में कोई नहीं आ रहा है भाई। जिस चाहे भाई लोग की इमदाद करना चाहे तो इमदाद कर सकते हैं। देखिए मेरे माँ बहन पीछे पीछे खड़े हुए, किसी को यहाँ पर अनाज नहीं है भाई, तकरीबन लोग यहाँ पर परेशान हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, 9553854539। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पे गरीब बस्ती है, कोई आ रहे ना जा रहे, कुछ अनाज दे रहे नहीं। एक महीना पहले दिए थे, अब तक कोई अनाज का नाम नहीं है। गली में कोई नहीं आते देने के वास्ते, रोटी दे रहे चले जा रहे, तो परेशान हाल है। गरीब आदमियाँ है सब जने, कुट्टापल्ली फारूक नगर में, कुट्टापल्ली फारूक नगर में घर भी नहीं आ रहा। हम लोग बहुत परेशान है, राशन के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बदमियाँ हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, कोई भी नहीं दे रहे। हमारे तो राशन की बहुत जरूरत है। कुट्टापल्ली फारूक नगर पे रहते हैं सब जने, कोई भी नहीं आ रहे हैं यहाँ राशन देने। पर हर सब जने बहुत परेशान है राशन के लिए, बाहर आ रहे, बाहर से बाहर चले जा रहे हैं। छोटे बच्चे, मासूम बड़े बच्चे सब परेशान हैं। यहाँ पर ज़रा इमदाद कर दे तो बहुत अच्छी बात है। हमारे आदमियाँ भी काम पे नहीं है। देखिए अगर आप लोगों की जितनी मदद हो सके करिए, ये एरिया में फारूक नगर कुट्टापल्ली पे, ठीक है, ये नंबर दिए। घरों पे आ रहे हैं, घर के अंदर घर के अभी कोई भी नजर नहीं कर रहा, अभी जाते हैं तो अच्छा था। भैया देखो, हमें वट्टापल्ली फारूक नगर में है, बीच में बारीक गली है, रोड तक आ रहा माल इधर नहीं आ रहा। देखो हम अंदर है और हम गांव से आए वाले है, हमारे आदमियां घरा में है, बच्चे छोटे छोटे है, कामा बंद है। देखो भाई, अगर जिसके पास है उन्हें इधर ये नंबर पे ला के दियो, ये कॉन्टैक्ट पे ला के दियो भाई। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम परेशान हैं, आदमियाँ भी घर में से, मर्द भी हमारे, कामा नहीं कुछ नहीं। देखो कुछ भी मदद, कुछ भी है तो ऐसा माल हो तुम ला के इधर दियो, मदद करो, दुआ दे। गांव से आए वाले है, हाँ परेशान है, हमें बहुत परेशान है। शुक्रिया। छोटी गली है, यहाँ गाड़ी आ नहीं सकती, ना कुछ नहीं आ सकती। अब हम लोगों को तो आने वाला चीज उधर सब बढ़ जा रहा, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा साहब। आपको किस कोई भी होंगे तो हमारी मदद करो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ लगेगी। अस्सलाम वालेकुम। हम जो है महाराष्ट्र के हैं, यहाँ पे हमारा ना कूपन नहीं है, ना हमारे पास कुछ राशन नहीं है, ना कुछ नहीं है। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे खाने वाले हैं, ना यहाँ पे कोई बस्ती में हमको मदद करने वाला नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ कोई मदद नहीं करे। मर्द भी है लेकिन घर में बैठे हुए हैं, लेडीज़ है, लेडीज़ को काम नहीं है, क्या खाएंगे? छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, रमज़ान है, खाने के लिए कुछ नहीं। आप जो भी मदद करेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एड्रेस बोल दो आपका। एड्रेस यहाँ पर वट्टापल्ली मतलब वट्टापल्ली फारूक नगर की लास्ट की छोटी गली है, पतली गली है, और ये नंबर पर कॉन्टेक्ट करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बोलो सब ला रहे भाई, इधर नीचे नीचे बात कर रहे हैं, आ रहे नहीं पल्ली। कोई ना कोई बंदे आना देना करना रहता ना, पूरी बस्ती पूरे अंदर है, हम लोग चढ़ो पे कोई आ रहे नहीं, चढ़ो पे डर के वो नीचे नीचे आ रहे हैं, उधर दे रहे चले जा रहे हैं। फारूक नगर में राशन नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। मैं इसकी छोटे छोटे बच्चे हमारे क्या खाएंगे, क्या करेंगे? आदमियों को कामा नहीं है, धंधे नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे? कामा क्यों करें? छुट्टियाँ पे छुट्टियाँ हो रही हमारे डेढ़ महीने से, कहाँ जाना, किधर जाना? तो ऊपर से रमज़ान का महीना हमारे
कुछ ना कुछ है तो मैं भिजाओ भैया फारूक नगर में आखिरी का उधर का उधर चल जा रहे हैं भाई। ये नंबर पर मैं कॉन्टेक्ट कर दो भाई आखिर भाई जिसको जिस चीज़ भाई को भी मदद करना है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर।